तो ये देख सकते हो गाइस कबूतरों का झुंड यहाँ से लेके वहां तक पूरा पेड़ देख सकते हो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जो है इन कबूतरों को खाना दिया जाता है। ये रहा मनोकामना मंदिर, इसके बारे में बात कर रहा था। तो यार सबसे पहले तो थोड़ी परिक्रमा कर लेते हैं मंदिर की। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं ये सब मनोकामना माता के ही रूप हैं। ये बड़े से पेड़ के नीचे एक माता जी बैठी हुई हैं जो सबको टीका लगा रही हैं, साथ ही आशीर्वाद भी दे रही हैं। तो अभी तो मंदिर बंद है, तो वीडियो के थ्रू आप लोग भी दर्शन कर सकते हो यहाँ पर मंदिर के। तो गाइज अभी मैं हूँ मनोकामना मंदिर में, जो अब मेरे आप पीछे देख रहे हो। तो यहाँ की एक मान्यता मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कपल्स लोग एक साथ दर्शन नहीं कर सकते, अलग अलग आप कर सकते हो। अगर एक साथ आप करोगे तो यहाँ पर यह मान्यता है कि आप लोग बिछड़ जाओगे, तो एक साथ दर्शन ना करें यहाँ पर। 5 मिनट में फ़ोटो तैयार कर देंगे आप लोग की, 100 रुपये से स्टार्ट है। तो यहाँ पर फोटोग्राफर का भी घूमते हैं, तो आप जैसे भी फ़ोटो खिंचवाना चाहें खिंचवा सकते हो। तो ये मंदिर के जस्ट पीछे बैक साइड में फ़ोटो सेशन होना सब लोग का, और ये आप देख सकते हो नीचे खाई है। वो अभी जो है बादल वादल लगे हैं और कोहरा है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पहाड़ है आगे और ये नीचे खाई है। ये जो दाने आप देख रहे हैं ये कबूतरों के लिए हैं, तो हमने भी ले लिए हैं कुछ। तो यार इनकी सारी व्यवस्था की गई है यहाँ पर, पानी से लेके खाना तक। तो अभी हम लोग लेने वाले हैं चारा इन लोगों के लिए। इसी में से दे दीजिए। तो ये रहा, तो ये रहा इनका चारा। चलो लो 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 दियो। ले 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 ले, हाथ में देता हूँ एक बार। ले 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 ले। ले 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 ले। आजा भाई आजा। ले 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 ले
नज़दीक नज़दीक ज़्यादा ले 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 नहीं पर मैं भी ज़िद्दी हूँ पर मैं लेके रहूँगा एक बार वो ट्वीन का आएगा आजा 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 अबे आजा भाई आजा अरे आ गया देख मैंने बोला था ना व्हाइट वाला आ जा यार एक बार और आ जा चलो एक सिप तो लिया इसमें थोड़ा पानी में भी डाल देते हैं ये मंदिर के जस्ट साइड में बहुत ही बड़ा पेड़ है एक एंग्री बर्ड दुईटा को रेट सेम छ यार खोपरी का छल्ला मुझे लेना था यहाँ पर से तो फाइनली मुझे मिल गया तो अभी मैं यहाँ से ले रहा हूँ इन दुकानों में आप लोग को बहुत ही सुंदर सुंदर लेडीज सामान भी मिल जाएंगे काफी काफी सुंदर सुंदर चूड़ियां मालाएं जिन्हें पोते भी बोला जाता है वो ले सकते हो आप मनकामना को चीनों का मतलब है मेमोरी इस जगह को बोला जाता है गोरखा मतलब कि इस जगह का नाम है गोरखा और यहाँ के संतरे बहुत ज़्यादा फेमस हैं पूरे नेपाल में गर्मा गर्म घी ला छिटो फिर झूठ बोलिस भने फिर ला ला आइज के फिर अब कहिले हो कहिले फिर अब यस्तो मौका पनि आउँदैन फिर फिर ला मातु छा मैं कैच पकड़ी रहा चला रहा क्लीन बोर्ड कैच मैंने अपने क्रिकेट बहुत खेले थे लोकल संतरे हुन्छ
अल्लाह, थैंक यू। और पहले जमाने का नहीं, मतलब इसी जमाने में बहुत अच्छा क्रिकेटर हुआ करता था ना। ये देख सकते हो सारे ही बिल्कुल कैच पकड़े हैं मैंने, लेकिन वहाँ से बाई मिस्टेक गिर गया था मतलब। लाटा अच्छा, लाटा इसका नाम लाटा है गाइस। तो ये जहाँ पर हम लोगों ने खाया था लंच वहीं पर ही रहता है लाटा। ये पेड़ मुझे काफ़ी सुंदर लगा, अगर किसी को इसका नाम पता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए मुझे। गाइज अभी मंदिर से हम लोग वापस आ गए हैं और लंच वंच हमारा हो गया था, तो अभी मेरे जस्ट पीछे जहाँ पर हम लोग को ड्रॉप किया था केबल कार ने, तो वहीं पर ही हम लोग पहुँचे हैं। और हम लोग एक पहाड़ी के ऊपर हैं अभी फ़िलहाल, तो आप लोग को एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखाता हूँ। सामने सूर्यदेव हैं हमारे, तो बहुत ज़्यादा आँखों में चमक रहे हैं, तो अभी आपको उनके साइड का व्यू दिखाता हूँ। थोड़ा सा गलत व्यू हो गया वो अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि सामने एकदम बहुत ही सुंदर नज़ारा है, धुंधला है अभी, कोहरा वगैरह हो रखा है, बादल वादल आ रखे हैं, वो बहुत ही प्यारा व्यू लग रहा है, तो अभी दिखाता हूँ आपको। तो यार ये रहा वो पॉइंट जहाँ से हम लोग फिर से वापस जाएंगे केबल कार में, और ये देख सकते हो आप केबल कार की तार इस तरह से है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा डायरेक्शन गलत हो गया अभी, क्योंकि जो लाइट है सूरज की वो बिल्कुल हमारे सामने है, और उसके जस्ट बगल में आप देख सकते हो बादल, बहुत ही प्यारा व्यू है। तो गाइस निकल रहे हैं हम लोग वापस, अभी प्रस्थान हो चुके हैं अब हम, अरे वापस जाने की तैयारी हो रही है। अभी वापस जाने वालों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, हमारी गड्डी भी आ चुकी है अब। ये आ गया हमारी लाइट। अभी जस्ट हम लोग निकल चुके हैं और अब मास्क लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग तीन ही लोग हैं। ओ शिट 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 शिट, ये आप देख सकते हो, व्यू दिखाता हूँ आपको। वो देखो बादल, पूरा धुंध हो रहा है यार, वो सामने आप देख सकते हो पूरे बादल हैं और नीचे पूरा कोहरा लग रहा है। गाइस ये जो केबल कार है इसमें जानवर या फिर कोई सामान वगैरह ऊपर पहुंचाया जाता है मंदिर तक। अभी हमें जाना है वहां पर, वहां से हम लोग निकले थे। अभी एक केबल कार इसलिए खाली जा रही है क्योंकि अब ऊपर कोई अलाउड नहीं है जाना, तो ऊपर वाले जो हैं अभी आएंगे नीचे।
तो गाइस जहाँ से हम लोग निकले थे सफ़र में, वापस वहीं पर आ चुके हैं। वापस आ चुके हैं अपनी गाड़ी पे। तो यार एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा हम लोग का, केबल कार में फर्स्ट टाइम गया और मज़ा आया काफ़ी। मंदिर भी होके आए तो बहुत कुछ है इस ब्लॉग में, आप लोगों ने देखा ही मज़ा आया होगा आप लोग को। कमेंट लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही मैं आगे भी वीडियो बनाते रहूँगा आप लोग के लिए। तो अभी काफ़ी थक भी गए हैं, अब यहाँ से हम लोग को सीधे निकलना है पोखरा, जो कि करीब करीब कितने किलोमीटर है यहाँ से पोखरा? 110-15 किलोमीटर अभी हमको और जाना है। अभी कितने बज रहे हैं? 5 बज गए हैं सर। तो अभी 5 बज रहे हैं, हाँ 5:04, तो अभी 5:04 हो चुके हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो गाइस तब तक के लिए बने रहिए वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।